लाइव हेलो बच्चों नमस्कार मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्या ये जो सेट चलता रहेगा यही है सेवनटीन को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं जब एग्जाम देने जाएगा मेरे बहुत सारे बच्चे हैं मुझे पता है सेवनटीन को जिस जिस का है एक बार मुझे थम दो है ना जिस जिस का है मुझे एक बार मतलब अंगूठा दिखा दो मुझे जरा एक बार ठीक है चलिए भाई ये बस जिनका होगा देखो जिनका है वो बोलेंगे केवल तीन जोन है ना एक आपका वेस्ट वाला मुंबई वाला पार्ट है एक सिकंदराबाद वाला पार्ट है और एक पार्ट और आपका बिहार वाला पार्ट इन तीन के बच्चे बताओ इतने बच्चों का है चलो ठीक है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके लिए देखना भाई है ना अब उस दिन तक क्लास चलती रहेगी एन का पीछे वाला क्वेश्चन और है इसमें मैंने वही ज्यादातर क्वेश्चन ले रखे हैं उनके बारे में बात करता चलूंगा बिना समय का भाई क्लास को करता हूं स्टार्ट आ जाओ मेरे साथ लेके प्रभु का नाम जय श्री राम राधे राधे काल आदाब ठीक है भैया ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है दिखाना भाई एक बच्चा कुछ पूछ रहा है जबड़ा है जांग की हड्डी है क्या ऊपर करना ये शरीर की सबसे मजबूत तो सबसे मजबूत आपकी ये वाली है जबड़ा सबसे मजबूत बहुत मजबूत है भैया चलो जी आ जाओ आगे बात करते हैं ये लो ये लो आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन जल्दी सर आप डिफेंस पर साइंस क्यों नहीं ले रहे बाबू एक मेरा अरे मेरे पैर में चोट लग गई थी होगा एजुकेशन पहला क्वेश्चन आने वाला पूरा का पूरा चांस है क्वेश्चन का जरा सोचो जरा बताओ दूंगा तुम्हारा एग्जाम हो जाए सिलेक्शन हो जाए तब देखो मुझे कितनी खुशी होगी उस समय तो पहला क्वेश्चन है बच्चा एक कोई छात्र है दृष्टि बाधित है समझ गए है ना दृष्टि बाधित जिसकी दृष्टि में बाधा चुकी है ऐसा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल संकेतक के रूप में कर सकता है जल्दी से बता दो किसके रूप में अम्ल, छार? अम्ल में, और छार में इन दोनों में किसके रूप में एसिड और बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड ब्लाइंड स्टूडेंट होता है ऐसे एग्जाम्स में भी बेचते हैं जल्दी दो आंसर देखो बच्चों यहां पर बात क्या है पहला है लिटमस क्या है लिटमस ये क्या देगा ये एसिड के साथ कलर दे सकता है और बेस के साथ कलर दे सकता है लेकिन बेसिकली जिस बच्चे को दिखते नहीं कैसे इसको देखेगा यस इसलिए तो आंसर नहीं जा सकता ठीक ऐसा ही काम होता है हल्दी के लिए ये भी एसिड बेस के साथ कलर देगा तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा ऐसा इसका मतलब अगला कौन है अगला है वेनिला तो वेनिला वो अंधाई तो हो सकता है हैं उसके रिसेप्टर वाले रिसेप्टर थोड़ी ना खराब मतलब है, है? जैसा एक और होता है प्यारे बच्चे अनियन क्या होता है अनियन होता है प्याज होता है इसके बारे में दो बातें हम लोग करने वाले हैं एक तो बात करूंगा एसिड के लिए किसके लिए एसिड को लेकर के अम्ल को लेकर के बात करूंगा एक बात करूंगा दूसरा बेस को लेकर के ठीक है तो देखो क्या होता है जब अनियन में हम लोग कोई ऐसे डालते हैं तो ये क्या करता है इसकी स्मेल बनी रहती है। इसकी स्मेल स्मेल बनी बनी रहती रहती है है लेकिन बेस के साथ में क्या करता है कोई इसमें स्मेल नहीं है प्याज की जैसे हम लोग काटते हैं तो वहां से प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा इसमें कोई ठीक ऐसा ही दूसरा आता है आपका अनियन के साथ में एक और आता है दूसरा कलर लेता हूं वनीला क्या लेते हैं ये लो जी वेनिला क्या है वेनिला एसिड में ये देता है लेकिन बेस में कोई इसमें स्मेल नहीं आती ऐसा पूछ लेगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे तो बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग आंसर दे दोगे आप लोग आंसर दे दोगे और बताओगे भी जल्दी से चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे बात की है तिलचट्टे की नाव वी टू पुट इन द एग्जाम देखो एग्जाम में है यार ऑब्वियस बात आप में से सेलेक्ट होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे वही सेलेक्ट होंगे है ना जो नहीं पढ़ रहे हैं वो थोड़ी ना सेलेक्ट होंगे बच्चों सही बात तो यही है ठीक है तो आप जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो बस ये देख लो कहा किस टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है ऐसा उसके बारे में बात करते हैं तिलचट्टे तिलचट्टे के हृदय में अलिंद की संख्या होती है आंसर दोगे प्यारे बच्चों तेहरा बहुत बढ़िया तेहरा क्या तेहरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हरा तेहरा 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 तेरा जल्दी से मैं आप लोगों को चलो प्यारे बच्चों देखो अगर बात करते हैं यहां पर ह्यूमन की किसकी बात करते हैं ह्यूमन की तो ह्यूमन में क्या होता है ह्यूमन में जो हर्ट की संख्या होती है वो हर्ट में जो चैम्बर्स होते हैं जैसे मान लो ये हर्ट है ऐसा इसमें चार चैम्बर होते हैं है। दो होते हैं ओरिकल क्या होते हैं ऑरिकल ओके ओरिकल इसको बोलते हैं अलिंद क्या बोलते हैं अलिंद बोलते हैं और दो होते हैं वेंट्रिकल क्या होते हैं वेंट्रिकल ये तो हो गया ह्यूमन में टोटल चैम्बर कितने टोटल चैम्बर हो गए चार ऐसा उसके बाद बात करते हैं अगला यहां पूछा है आपका तिलचट्टा कौन है तिलचट्टा तो ठीक इसी तरीके से तिलचट्टा में जो टोटल चैम्बर होते हैं ना बच्चा वो टोटल चैम्बर ठीक है टोटल चैम्बर की बात करता हूं तो टोटल चैम्बर तो है प्यारे बच्चे तेहरा कितना है तेहरा तो इसमें से सेवन जो होते हैं वो होते हैं और क्या होते हैं और और प्यारे बच्चे जो सिक्स होते हैं ना वो सिक्स क्या होते हैं अलिंद सेवन होते हैं अलिंद और सिक्स होते हैं निलय क्या होते हैं निलय ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में अगर इसके बाद बात करते हैं तो सबसे पहले यहीं पर बात करते हैं फिशेज की यहां से क्वेश्चन हो गया तो यहां फिसिस से बात करेंगे इसमें दो चैंबर होते हैं कितने चैंबर होते हैं टू चैंबर होते हैं एक्जैक्टली exactly, एक और एक वेंट्रिकल उसके बाद अगली बात कर लेते हैं के बाद अगला बात करते हैं रेप्टाइल्स की किसकी बात करते हैं रेप्टाइल्स की ठीक है तो रेप्टाइल्स में बात करते हैं बेसिकली यहां पर होते हैं थ्री चैम्बर कितने चैंबर ध्यान रखना क्वेश्चन बन जाएगा तीन चैंबर ओके चैप्टर नहीं चैंबर सॉरी तीन चैम्बर मैं तो बोर्ड से बाहर ही चला गया मुझे ऐसा लगता है मैं हूं हाँ मेरा हैंड एंड केवल ऐसा लेकिन इसका अपवाद है क्या है इसका अपवाद है इसका अपवाद क्या है प्यारे बच्चे अपवाद देख लो एक तो है बारह बच्चे मगरमच्छ क्या है, तो है। मगरमच्छ है और एक है प्यारे बच्चों एलिगेटर जिसको बोलते हैं घड़ियाल क्या बोलते हैं घड़ियाल इनमें जो चैंबर होते हैं वो होते हैं फोर क्या होते हैं फोर होते हैं टू थ्री बर्ड्स में कितने होते हैं बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में होते हैं प्यारे बच्चे फोर कितने होते हैं फोर होते हैं और मेनमल्स में भी कितने होते हैं फोर होते हैं चले आ गए आ जाओ आंसर क्या जाएगा तो आंसर जाएगा आप लोगों का सेवन क्या जाएगा सेवन अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन सर क्लास क्यों नहीं कल कल तो संडे था मेरे प्यारे बच्चे कल संडे था ना हाँ तो कल कहां से हो जाती क्लास चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी करो क्या करने वाले हो गति के लिए युगलिना एक जीव है अब यार बात कर लेते हैं है ना ओके एक बात कर रहे हैं गति के लिए कौन है युगलिना इसमें पूछा है ये जो जीव है बेसिकली क्या है ये युगलिना होता है कुछ इस टाइप का ऐसा ऐसा इसकी बॉडी में क्या होता है इसकी बॉडी में यहां चलने फिरने के लिए एक ऐसा एस स्ट्रक्चर होता है ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है कैसा है धागे नुमा ठीक है धागे नुमा धागे के जैसा थोड़ा बड़ा होता है हेयर में तो इसको बोलते हैं फ्लैजीला क्या बोलते हैं फ्लैजीला इसी की मदद से हेल्प करता है ये इसमें ये इसमें हेल्प करता है किसमें मूवमेंट में किसमें मूवमेंट में चलने फिरने में काम करता है बच्चों चलने फिरने में बोलो बात समझ में आई या नहीं आई तो यहां पर क्या बोला गया है इसकी बॉडी में सारे ऑर्गन इसी के बारे में एक और क्वेश्चन आ जाता है एक और क्वेश्चन इसको बोलते हैं संयोजक कड़ी क्या बोलते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल जो जाएगा यहां पर ऑप्शन जाएगा आपका फ्लैजिला इस युगलिना को युगलीना को ये क्या बोलते हैं संयोजक कड़ी है आप बता दो मुझे आंसर किसके बीच की संयोजक कड़ी है संयोजक कड़ी मतलब दो चीजों को जोड़ने का काम करता है ऐसा ओके तो ये संयोजक कड़ी है किस किस के बीच की एक तो जंतुओं के बीच की जंतु हो गए आया हुआ क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और दूसरा पादपों के बीच की कड़ी है कौन है ये ये है आपका युगलिना ठीक है जी बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई हाँ जी बोलो ऐसा नो मिल गया देखो अगला क्या पूछा है सीलिया तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है अगर ये बड़ा है तो इस बड़े वाले को इस बड़े वाले को हाँ, इस बड़े वाले को बोलते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर फ्लैजिला क्या बोलते हैं फ्लैजिला जब यह धागे है कैसा छोटा कैसा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा है छोटा तब इसको बोलते हैं सीलिया और बाबू ये हमें देखने को मिलता है एक जंतु होता है जंतु कौन है वो वो है आपका पैरामीशियम मीशियम कौन किसमें मिलता है पैरामीशियम में मिलता है और इसी पैरामीशियम का एक और नाम है चप्पल नुमा कैसा होता है बिल्कुल जैसा हमारा चप्पल का आकार होता है उस टाइप का स्लीपर लाइक -like एनिमल होता है कौन सीडिया अगली बात कर लेते हैं सीडोपोडिया मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना होगा हमने सुना है एक कोशिकीय जीव होता है उसका नाम है अमीबा क्या नाम है अमीबा उस अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है सीडोपोडिया और टेंटाकल्स ये टेंटाकल्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें एक बच्चा बिल्कुल बड़ा डीप क्वेश्चन जा रहा है प्यारे बच्चे उसमें किस हाइड्राम है किसमें हाइड्राम है बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं आई पक्का आगे चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं तो क्या कर जाते हैं ऐसा क्वेश्चन आया है जेनेटिक्स से पूछा गया है ठीक है ये पूरी पूरी बायोलॉजी के संभावित प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखे गए हैं ऐसा पिता का ब्लड बता रहा है कौन सा है पिता का ब्लड है बच्चों बी क्या है पिता का ब्लड ये है पापा ऐसे लिखते हैं सीधे पापा का ब्लड क्या है बच्चों बी है ओके और माता का ब्लड ग्रुप है ये है माँ माँ का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है क्या है ओ तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो सकता है जल्दी बताओ बच्चों जल्दी बताओ क्या हो सकता है आंसर बहुत बढ़िया ए बी हो सकता है बिल्कुल बी ए बी हो सकता है ए बी ओके 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 कितने बच्चे कर रहे हैं जल्दी 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 करो करो जल्दी जल्दी करो ये ये है कौन 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 नाम ओके, हाँ, ओके। धर्मेंद्र सर करा तो रहे प्यारे बच्चे अभी ठीक है देखो यहाँ पर क्या होता है जब ये सिंगल होता है तो जीन्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी या तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या उसमें हो सकता है ओ क्या हो सकता है ओ o है तो o को भी डबल की फॉर्म एक्सप्रैस करेंगे कितना o बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पहले का पहले के साथ क्रॉस पहले का दूसरे के साथ क्रॉस दूसरे का पहले के साथ क्रॉस दूसरे का दूसरे के साथ क्रॉस तो चला देख लो क्या बनेगा पहले के साथ पहले का बनेगा b और o पहले का दूसरे के साथ बनेगा b और o दूसरे का दूसरे के साथ ओ ओ और दूसरे का दूसरे के साथ ओ ओ तो यहां से क्या बना बी यहां से क्या बना बी यहां से क्या ओ यहां से क्या ओ प्यारे बच्चों ऑप्शन में ओ कहीं है नहीं बी ओ यानी कि इंडिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ किस ब्लड ग्रुप को ये बनाता है बी को किसको बी को बहुत बढ़िया एक बच्चा बोल रहा है सर आजाद कह रहा है हंड्रेड परसेंट सी होगा आजाद यू आर राइट बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सी होगा जैसे कि हम दो की फॉर्म में लेते हैं अगर यहां पर ए बी होता क्या होता ए बी होता तब दो चीज आ जाती ए और बी तब क्या होता आपका होम असाइनमेंट है अगर अगले क्वेश्चन जल्दी से बात करते हैं सरसों के तेल की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है सरसों के तेल की बात कर रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हो उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है ऐसा बता दो जल्दी फटाफट से जल्दी चलो तो पहली बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे टार्ट्रिक क्या बात कर रहे हैं जब टार्ट्रिक एसिड की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये टार्टिक एसिड हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे इमली में ठीक है दूसरा बात कर रहे हैं ब्यूटारिक एसिड बटर बटर का मतलब क्या होता है बी से ब्यूटारिक बी से होता है बटर बटर का मतलब किसमें ये देखने को मिलता है मक्खन में किसमें मक्खन में तीसरा

तो ये कहा मिलता है चीटी के डंग में? इसका मतलब नहीं तो आंसर जाएगा आपका डी ओलिक एसिड क्या है ओलिक एसिड बहुत बढ़िया आजाद एकदम गजब इसको बोलते हैं है एक कार्बन है तो इसको बोलते हैं मैथेनोइक एसिड क्या बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल चले बच्चा मिल गया कौन सा अम्ल कौन सा अम्ल मिल गया आपको ओलिक अम्ल कौन सा ओलिक अम्ल चले आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहां से है अगला क्वेश्चन है बच्चों कहां से टेबल से है और क्या पूछा है एक प्रॉपर्टी होती है तत्वों की अपनी पीट पीट के पीट पीट के बना दिया है पतली चादर क्या बना दिया है पीट पीट कर आपने इसको क्या बना दिया पतली सी चादर बना दिया क्या बना दिया पतली सी चादर बना दिया इस प्रॉपर्टी को ठीक है चलो जी मोस्ट वेल्युएबल ठीक है सबसे ज्यादा यार आंसर तो एक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना आंसर एक ही है हाँ वो उसका आईयूपीएसी नाम है मेरा प्यारा एक बच्चा बोल रहा है वो है उसका आईयूपीएसी नाम हम्म चलो आगे बोलो जल्दी से तो देखो आपको ये पता करना है कि वो है क्या उसका परमाणु क्रमांक पूछा है तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 79 क्या हो जाएगा 79 और इसको बोलते हैं इसका नाम क्या है Au गोल्ड ऑलियम दूसरी बात करते हैं क्या 80 के बारे में बता सकते हैं कौन होता है 80 एटी होता है प्यारे बच्चे मरकरी क्या होता है मरकरी कोई खास प्रॉपर्टी इसके बारे में ये क्या है मरकरी धातु धातु है और किस फॉर्म में मिलता है अकेला धातु ऐसा है जो मिलता है तरल रूप किस के रूप में किसके रूप में तरल के रूप में अगली बात करते हैं थर्टी फाइव किसका है थर्टी फाइव है प्यारे बच्चे ब्रोमीन का किसका ब्रोमीन का ये क्या है प्यारे बच्चे ये भी क्या है अधातु क्या है अधातु हाँ, और ये भी किस रूप में है तरल रूप में इसके तो कई सारे रूप है ऐसा आंसर आ गया आप लोगों के सामने बिल्कुल बढ़िया वाला ठीक है जी चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा ऐसा जल्दी जल्दी बढ़ाओ बच्चों को फटाफट से बोलो क्लास बहुत सही चल रही है बढ़िया तरीके से ऐसा तो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ऐसा बेसिकली क्या है यहां पर वो जो बोल रहा है आप लोगों से कि जो कवक में ना पोषण की विधि क्या है बेसिकली है ना तो क्या होता है कवक में जो हमें देखने को मिलता है न्यूट्रिशन क्या देखने को मिलता है न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो जरा समझो जरा समझो बात यह है कि जब आप पढ़ते हो न्यूट्रिशन क्या पढ़ते हो न्यूट्रिशन पढ़ते हो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ते हो तो यह दो तरीके से होता है एक तो होता है प्यारे बच्चों ऑटोट्रॉप क्या होता है ऑटोट्रॉफ होता है एक बात हो गई दूसरा होता है क्या होता है? होता है बोले या ठीक है है सर नो ठीक ऑटोट्रॉप जो खुद से बना लेता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप और इसका एग्जाम्पल की बात करता हूं जो खुद से बनाता है बेसिकली वो कौन है प्लांट्स क्या है प्लांट्स और दूसरा पॉइंट है सम कुछ बैक्टीरिया क्या सम बैक्टीरिया सब नहीं वो बैक्टीरिया कौन सा है वो स्पेशल बैक्टीरिया उसमें भी बी जी ए ब्लू ग्रीन एल्गी इसी का दूसरा नाम क्या इसी का दूसरा नाम साइनो बैक्टीरिया क्या साइनो बैक्टीरिया इसी को बोल देते हैं नील हरित शैवाल क्या बोल देते हैं नील हरित शैवाल बोल देते हैं ऐसा चलो अब बात करते हैं यहां पर हेट्रो की किसकी बात करते हैं हेट्रो ये मिलता है तीन तरीके से कितने तरीके से ओ हो चलो जी तीन तरीके से मिलता है एक को बोलते हैं होलोजोइक क्या बोलते हैं होलोजोक बोलते हैं अरे बच्चों अब उसकी हार तो हो गई अब आप अपना दिखाओ बढ़िया तरीके से होलोजोइक सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक बोलो बात समझ में आई या नहीं आई चलो ठीक है अगली बात करते हैं होलोजोईक किसमें होता है जो ये सॉलिड फूड को डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही ले, ले लेते हैं उसको तोड़ फोड़ देते हैं उसका डाइजेशन कर देते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल देखने को मिलता है एक तो हमें ह्यूमन में किसमें ह्यूमन में दूसरा इन्हीं को बोलते हैं जीवी. क्या बोलते हैं मृतोप जीवी बोलते हैं और यह हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चे फंजाई में, किस में? फंजाई में और पैरासाइट जो दूसरे को ऊपर डिपेंड करते हैं यस उसे भी क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों ये हमें देखने को मिलता है पैरासाइट यानी कि परजीवी बोलते हैं क्या बोलते हैं परजीवी यहां पर जीवी. यह पर ये भी मिलता है कुछ कुछ फंगस में किसमें Not सब में कुछ फंगस में तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर सेप्रोफाइटिक सारे के सारे और कुछ हो गए पैरासाइटिक फंजाई की बात की थी किसकी बात की थी फंजाई की बात की थी ऐसा चलो आगे बात करते हैं ये लो क्वेश्चन पे जल्दी से पूछा है क्या पूछा है तो ओनली सेप्रोफाइट है क्या ना ओनली पैरासाइट है ना ना ऑप्शन जाएगा

ठीक है भाई मैं हिंदी में लिख दूंगा ठीक है चलो अब देखो क्या बोलता है इनमें से कौन सी घटना तब घटित होती है जब अम्ल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है जब जल में किस में जल में थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है अम्ल मिलाया जाता है एट का दे रहे हो डी क्या दे रहे हो डी चलो जी एक तो बच्चा बोल, बोल रहा है नीतीश तिवारी बोल रहा है तनुकरण ओके चलो देखो जल्दी से फास्ट ये है मान लो एसिड इसमें क्या मिला रहे हो यानी कि इसमें जल में क्या मिला रहे हो जल है

सेकंड सेकेंड आ काटा सेकंड आ काटा अब ऑप्शन ही क्या बचा बताओ क्या बचा ऑप्शन जल्दी बताओ क्या बचा ऑप्शन ऑप्शन बचा क्या ऑप्शन बचा और ये आंसर है ये आंसर है चलो भैया ओके हाँ ओके दीपक ओके दीपक बिल्कुल दूंगा भाई बिल्कुल दूंगा अब देखो क्या बोलते हैं दो वर्ड समझ लो तनुकरण तनुकरण का मतलब होता है डाइल्यूट कर देना क्या कर देना डाइल्यूट कर देना एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी जब एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी तो हमने क्या किया हमने उसके अंदर डाल दिया क्या वाटर क्या डाल दिया वाटर तो वो क्या हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डायल्यूट क्या हो जाएगा डायलूट हो जाएगा दूसरे कंडीशन की बात करते हैं जब हम लोग लेंगे कि ये जो है एसिड है ये पानी डालेंगे तो इसी को बोलते हैं ये एसिड को तोड़ देगा किसमें इसके आयंस में किसमें तोड़ देगा आयंस में और इसी फिरा को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन बोले ऐसा चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने दे -फट. आंसर दे दो जल्दी से फटाफट आंसर दे दो जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी आंसर दे दो भाई जल्दी दे दो कॉमेंट रुके भाई नीचे देखना हाँ चलो जी यादव ने क्या पूछा था यादव ने क्या पूछा था एसिड में जल नहीं डालते एसिड में जल नहीं डालते हाँ बिल्कुल सही बात है एसिड में जल नहीं डालते जल में एसिड डालते हैं चलो डी आ, डी कौन से क्वेश्चन का दे रहे हो आप लोग डी क्वेश्चन नंबर नाइन का दे हो बी बबली सी बबली सी तिवारी बी दे रहा है ओके जल्दी करो आंसर जल्दी करो आंसर ठीक फटाफट जल्दी बात करते हैं इनमें से इस पी पेपर का रंग कैसा होता है हरा और नीला हो जाएगा इनमें से किसको डालू इनमें से निम्नलिख में से इस पर इस पी पर इस पीएच पर क्या हो जाएगा इसका रंग कैसा हो जाएगा हरा और नीला हरा और नीला प्यारे बच्चों मेरे साथ ध्यान रखना हरे के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं आता है लेकिन नीले के पास जुड़ाता है क्या आता है बेस क्या आता है मैंने बताया था बेस कैसा कर देता है बेस कर देता है नीला ब्लू कैसा कर देता है बेस बना देता है किसको बना देता है बेस बना देता है, उसको बना देता है। बोले और है नो चलो पक्की बात आगे बात करते हैं जल्दी से तो देखो प्यारे बच्चों अब इसमें क्या दे रखा है नींबू का रस भैया एसिड है क्या है एसिड रेड कर देगा नहीं होगा विनेगर सिरका क्या है एसिड है नहीं करेगा बिल्कुल भी कॉमन सॉल्ट एन ए सी एल जिसे हम लोग खाते हैं नॉर्मली इसको बोलते हैं कॉमन सोल्ट और बाबू इसका क्या होता है देखो ये क्या होता है एसिडिटी को कम करने का काम करता है इसके नेचर को कम करने का काम करता है ऐसा तो यही हो जाएगा बेसिक में और एसिडिटी के लिए मेरे पास दो आते हैं याद रखेंगे एक तो होता है एम जी ओ एच का हॉल टू आइस एक होता है ए एल ओ एच का हॉल थ्राइस भाई इसको क्या बोलते हैं इसका नाम पूछा है इसका नाम होता है प्यारे बच्चे Milk of Magnesia. क्या बोलते हैं बोलते हैं ऐसा चलो जी काम हो गया इसका कंप्लीट आंसर आ गया आपका डी क्या आ गया आंसर डी आ गया चले आगे आगे चलें ट्रू वर्ल्ड क्या नाम लिखा बच्चे ने ट्रू वर्ल्ड गलत लिखा हुआ चलो आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव क्या करते हैं मूव आंसर दो जल्दी फटाफट से जल्दी खड़ो आंसर इनमें से कौन सा एक ये क्वेश्चन कई बार का है एक वायरल रोग नहीं है नहीं है कैसा रोग नहीं है वायरल रोग नहीं है पुराने लोग नहीं दिख रहे छोड़ दिए क्या पता नहीं आजाद कहाँ चले गए तुम भी आज के दिनों में वो भी बेचारे पता नहीं कहां भाग गए ऐसा जबकि मैं बता रहा हूँ टाइम बहुत लास्ट आ चुका है अब छोड़ने का मौका नहीं है आज का पेपर एक तरीके से मौक का पहला मान लो इसको ऐसा तो क्या बोल रहा है देखो डेंगू डेंगू क्या है एक तरीके से फैलने वाली डिजीज है कैसी है वायरल जबकि उसने पूछा है वायरल कौन सा नॉट आ वायरल डिजीज नहीं है ऐसा वो बोल रहा है चलो दूसरी बात करते हैं एड्स इम्यूनो डेफिशियंसी इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियं सिंड्रोम सिंड्रोम को बोलते हैं ग्रुप क्या बोलते हैं ग्रुप और होता है किसकी वजह से ड्यू टू ड्यू टू किसकी वजह से एच आई वी इसका भी क्या होता है वायरस क्या होता है वायरस नेक्स्ट बात वायरस का चेहरा कुछ ऐसा रेड रेड सा ऐसा ठीक है चलो आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है टाइफाइड तो आंसर जाएगा प्यारे बच्चों टाइफाइड इन्फ्लुएंजा ये भी होता है किसकी वजह से फ्लू की वजह से ठीक है और टाइफाइड होता है प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया की वजह से किसकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से तो यही हो गया ये वायरस की वजह से नहीं है और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है प्यारे बच्चों साल नेला टाइफी क्या बोलते हैं सालमोनेला टाइफी बोलते हैं ये हो गया इसका काम कंप्लीट क्या हो गया इसका काम कंप्लीट हो गया भैया ऐसा चलो आ जाओ अगली बात करते हैं चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे ऑप्शन आ गया ये वाला चलो जल्दी से लेते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट जल्दी से बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन उसने पूछा भी तो वही है पूछा भी तो वही है क्या बोल रहा है ये वर्ग है क्या है वर्ग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में किसके बारे में पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल के बारे में मतलब क्या बोलते हैं आवर्त सारणी क्या बोलते हैं आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं और क्या कहती है आवर्त सारणी ये कहती है आवर्त सारणी ऐसा 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 और ऐसा मैं एक लाइन दूसरी बना रहा हूं ऐसा

फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो गया इसको बोलते हैं लेकिन उसने पे क्या पूछा है ये है कौन सा वाला तत्व तो? वाला कौन सा वाला सत्रवा वाला ठीक है तो ये तो नहीं है ठीक है नोबल गैसेस इन्हीं को बोलते हैं इनर्ट गैस क्या बोलते हैं बाबू इनर्ट गैस तुम्हें पता है आने से उसके आए बाहर जाने उसके जाए बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता आओ तो वेलकम जाओ तो भिड़कम बोले सर नो ठीक है रुक जाओ भाई रुक जाओ अगली बात करते हैं नेक्स्ट वन क्या बोला है चालकोजन क्या बोला है चालकोजन तो देखो एक तो है चालकोजन फैमिली कौन सा है चालकोजन फैमिली और नेक्स्ट वन कौन सा है प्यारे बच्चों एक है आपका निकोजन फैमिली तो एक तो ये कट गया आपका एक ये कट गया आपका आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं चालको और एक बचता है आपका निकोजन क्या बोलता है निकोजन तो इसका आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताओ मुझे जल्दी बताओ आंसर क्या जाएगा आप लोगों का इसका आंसर जाएगा प्यारे बच्चे आपका आंसर जाएगा ए क्या जाएगा चालकोजन फैमिली क्या जाएगा चालकोजन फैमिली बोलो प्यारे बच्चों स्टार लगा लेना सिक्सटीन ग्रुप को क्या बोलते हैं चालकोजन फिर यार निकोजन क्या है निको निको ये देखो ये पी साइलेंट है है ना पी साइलेंट है इसमें रेड वर्ड को मैं साइलेंट कर देता हूं ये रहा एन निको एन का मतलब बाबू नाइट्रोजन फैमिली कौन सा फैमिली नाइट्रोजन फैमिली ऐसा चलो बोलो बस नहीं आई बोलो में नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं कौन सी फैमिली निकोजन फैमिली चले आगे चलो जी आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन ठीक है चलिए भाई बात करते हैं एक बच्चे ने पूछा है पावर का पीएच मान कितना होगा ओके ये नाइन आगे जाएगा नाइन इंटू टेन पावर वन तो अब नाइन का हम लोग बना लो उसका पीएच बन जाएगा कितना नाइन के लिए जो वैल्यू आती है उसका बना लेंगे बस केवल ठीक है चार क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे दू ये रहा सिक्सटीन कहाँ गया चाल को जन का एग्जाम्पल है ओल्ड स्टाइल से टी पो ओल्ड स्टाइल से ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम प्लूटोनियम पोलोनियम ठीक है बच्चा चलो अगला बोलते हैं आंसर आंसर देंगे प्यारे बच्चे जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे प्यारे बच्चे भाई पहले बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अरे सनी महाराज तो थो थोड़ा आगे तक शेयर कर दो पहुंचा दो यार इसको आगे तक की बात कर दो देखो प्लस लेंस है यार ये क्या बात है प्लस लेंस का उपयोग कहां के रहता है समझो बेसिकली बात कर रहे हैं लेंस की किसकी बात कर रहे हैं लेंस की एक लेंस की जो पावर होती है वो होती है प्लस में और एक लेंस की जो पावर होती है होती है माइनस में बोले ऐसा नो तो ये माइनस पावर है प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं अवतल क्या बोलते हैं अवतल यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव क्या बोलते हैं कॉनकेव ये जो है बाबू उतल दूर वाला उतल ऐसे और इसको क्या बोलते हैं इसका कॉनवेक्स कॉनवेक्स और यही होता है काम दूरदृष्टि दोष के लिए और ये पास होता है मायोपिया मायोपिया मारोपिया मेरे पास होना चाहिए मारोपिया ऐसा ओके और इसको बोलते हैं निकट दृष्टि क्या बोलते हैं निकट दृष्टि ओके आंसर फार साइटनेस दूर की बात करोगे कहां की बात करोगे दूर की बात करोगे तो ये काम आएगा आपका ठीक है जी चलो आगे चलें मैं बढ़ जाऊं क्या आगे आगे बढ़ जाऊं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दूरदर्शन मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ऐसा चलो देखो बच्चों क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन क्या होता है तुम सुनना बड़े ध्यान से सुनना तुम इस बात को उसने क्या बोला है कि हम लोग क्या करते हैं ऊन काटते हैं ऊन भेड़ के जब पास से बॉडी से ऊन काटने का काम करते हैं ना तो देखो जब हम लोग उस वहां से ऊन काटते हैं जूम कर दू क्या जूम कर दू क्या ऐसा ये लो

पास्टूर मेलेग्नेटियम बोलस या एंथ्रेसिस क्या बोलते बोले बड़ा बड़। जल्दी बोल दो फटाफट जल्दी बोल दो अरे जल्दी बोलो थोड़ा बगल हो प्लीज क्वेश्चन लो मैं साइड में हो गया हूँ प्यारे बच्चे देखो होता क्या है जब हम लोग ये होती है आपका डियर हिरन वगैरह होते हैं ना है ना भेड़ शीप क्या होता है शीप भेड़ वगैरह होते हैं और उनकी बॉडी से हम लोग क्या निकालते हैं ऊन निकालते हैं क्या निकालते हैं वूल क्या निकालते हैं ऊन निकालते हैं

बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं गलत क्या कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलो जी दिखाओ आगे अगली बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ जाऊं क्या दो भाई आंसर दो आंसर दो क्या पूछा है बाईव ओके अच्छा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की बाई which इंस्ट्रूमेंट है ओके द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड कौन है जिसकी वजह से हम लोग जिसकी वजह से हम लोग हाँ जिसकी वजह से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं जल्दी से आंसर दो तो फटाफट जल्दी से देखो बात क्या है बात ये रहा मान लो ये कोई आयरन का पीस है क्या है ये आयरन का पीस ठीक है और यहाँ पर है मान लो मैग्नेटिक यहाँ पर करंट है ऐसा जब इसके पास कोई मैग्नेट वगैरह लाएंगे कुछ अरग ले जाएंगे तो हमें इस फील्ड का एहसास होगा ठीक ऐसा ही ऐसा मान लेते हैं कि दूसरा कौन है ये है कोई वायर कौन है वायर इस वायर में से बह रही है धारा क्या बह रही है करंट बह रही है तो ये करंट ये वायर जो है ये वायर बिहेव करेगा किसकी तरह बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह किसकी तरह बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा चुंबक की तरह बिहेव करेगा ऐसा और इस चुंबक को पता कब लगेगा एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग सेट कर देते हैं यहां पर ऐसा ऐसा यहां पर पिन लगा है ऐसे ये है निडल्स क्या है ये निडल्स। और जब यहां से एक वायर गुजरेगा ना ऊपर से एक तो तो खोल है तो ओ ये बच्चा कौन है सत्यनारायण मेहता बहुत बढ़िया ऐसा ही एग्जैक्टली exactly यही है यही है वो और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल क्या बोलते हैं मैग्नेटिक निडल बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे चलो आगे चलो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं भाई थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्वेश्चन में क्या बोला है चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखा है इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मूव कैसे मूव करती हैं कैसे मूव करती हैं बता दो आ हा हा बहुत बढ़िया देखो बात समझो मान लेते हैं कि यह है मैग्नेट क्या है ये ये रहा मैग्नेट क्या रहा मैग्नेट इस मैग्नेट के अंदर ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ फूल है कोई दिक्कत तो होता क्या है जब मैग्नेट से लाइन से जाती है, तो कैसे जाती है, से कैसे जाती है? से ये जा रही है बच्चों इमेजिन्री लाइन क्या, क्या बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स क्या बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स बोलते हैं ऐसा बोलो भाई बात समझ में आई नहीं आई अरे पक्का चलो ठीक है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जल्दी अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन लेकिन वो बात कर रहा है अंदर की कहा की बात कर रहा है अंदर की बात कर रहा है अंदर की तो देखो अंदर डैश 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 ऐसे 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 ओके ये इमेज लाइन हमें दिखती नहीं है ये दिखती नहीं है बस केवल होती है ऐसा तो अंदर की तरफ जो लाइन्स होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ और बाहर की तरफ जो लाइन्स होती है ध्यान रखेंगे वो होती है नॉर्थ से साउथ तो उत्तर से दक्षिण तो कब होती है बाबू जब ये होती है आउटर साइड कहां होती है आउटर साइड में बोलो में आई लेकिन दूसरी बात करते हैं नॉर्थ साउथ से नॉर्थ दक्षिण यानी कि साउथ द नॉर्थ फ्रॉम साउथ से नॉर्थ ये कहां होती है इनर साइड कहां होती है इनर साइड अंदर की उड़ी तो पूछिए आंसर जाएगा प्यारे बच्चे बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा चले अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से चलो भाई चलो 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 देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये पी नहीं है प्यारे बच्चे ये है रो क्या है रो है ये है रो जैसे हम लोग क्या देते हैं सिंबल हम लोग देते हैं lambda, ओके हम लोग देते हैं किसको न्यू फ्रीक्वेंसी ऐसा तो यहां पर क्या है रो है प्रतिरोधकता क्या है सॉरी प्रतिरोधकता को हम लोग जो वर्ड देते हैं वो बोलते हैं रो से क्या बोलते हैं रो ऐसा लिख देते हैं इंग्लिश में आर एच ओ रो या ये बनता है इसका सिंबल तो देखो क्या बोला है ऐसा बोला है कि ये ना ये कोई वायर है क्या है ये कोई वायर इस वायर की लेंथ है प्यारे बच्चे एल क्या है एल ठीक है और इसकी जो प्रतिरोधकता है अगर इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया क्वेश्चन ऐसा कह रहा है इसको जब दो पार्ट्स में कट कर दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन है ये ये है ए के फोर्टी सेवन ए के फोर्टी सेवन आंसर दे रहा है ठीक है जब इसको दो पार्ट्स में, तो में कट कर दिया तो क्या होगा जरा देखो ये है एल दो पार्ट्स में कट कर दिया ठीक है तो ये जिस मेटेरियल का बना हुआ है उसकी कोई एक है उसकी प्रतिरोधकता क्या दे रखी है रो दे रखी है क्या दे रखी है रो दे रखी है जब दो भागों में इसको कट कर दिया टू इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया कट कितना कर दिया कट तब बताओ इसकी रो क्या होगी तब इसकी रो क्या होगी प्यारे बच्चे सुनो आपने पढ़ा है r बराबर रो l a तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है जब आप मटेरियल चेंज करोगे ना प्रतिरोधकता अभी भी उतनी है तब भी उतनी रहेगी रोधता पहले भी रो थी अभी भी रो रहेगी बेसिकली अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तभी प्रतिरोधता चेंज होगी वरना प्रतिरोधता चेंज नहीं होगी बोलो बात समझ में आई ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है जरा देखेंगे कोई लड़की है क्या है अच्छा क्वेश्चन है स्टार लगा लो क्वेश्चन को स्टार स्टार लगा लो स्टार लगा लो समझ में आएगा देखते हैं क्या है क्या कह रहा है ऐसा कह रहा है एक लड़की है एक लड़की है साठ सेंटीमीटर देखिए उसकी लंबाई है चालीस सेंटीमीटर चौड़ाई है और बीस है? है, है, है? बी है और है है क्या है ये? एल है, ऐसा ओके वाले बॉक्स पर तीन तरह से खड़ी होती है वाले बॉक्स पर तीन तरह से खड़ी हो सकती है ऐसा कह रहा है तो किस केस में लड़की द्वारा लगाया गया दाब अधिकतम होगा आपको बताना है कौन सा केस होगा जब लड़की के द्वारा स्टार सीधे कंधे पर लगेगा थैंक यू तो आपको बताना है कि लड़की के द्वारा किस केस में दाब सबसे अधिक लगेगा ऐसा क्वेश्चन से से यहीं से पढ़ते हैं आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि जो दाब होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया बोले नो। अब लड़की है जैसे मान लो बॉक्स जरा समझो बॉक्स ए ये रहा एक बॉक्स है इसके अंदर ये भी एक बॉक्स है ऐसा 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 ठीक है ये बॉक्स बना दिया मैंने ऐसे तो इसमें क्या है ये तो मान लो इसकी लेंथ है ये मान लो इसका बी है और ये मान लेते हैं इसकी एच है ठीक है आगे बात समझ में तो वो ये कह रहा है कि किस केस में कौन सा केस होगा जिसमें दाव सबसे अधिक होगा देखो लड़की इसके ऊपर खड़ी है कोई लड़की क्या खड़ी है इसके ऊपर इस बॉक्स के ऊपर कोई लड़की खड़ी है ऐसा खड़ी है तो इस लड़की इस पर प्रेशर लगाएगी भाई बॉक्स को आप कैसे बढ़ो हर कंडीशन में वो तो प्रेशर वैसे लगाएगी ऐसा क्यों क्योंकि उस पर फोर्स वैसे लगेगा तो फोर्स तो हो जाएगा बाबू कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट अब अगर एरिया कम हो जाएगा तो बच्चों पी जो है वो बढ़ जाएगा एरिया बढ़ जाएगा तो पी कम हो जाएगा कंडीशन ये होनी चाहिए कि प्रेशर लगना है ज्यादा कैसा होना चाहिए मैक्सिमम तो दाब मैक्सिमम होगा तो एरिया तो मिनिमम होगा बीस तो तो लेना, 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 लेना पड़ेगा ये वाला जरा देखो जरा देखो भाई टाइम आउट मत करना किसी को भी कोई बात नहीं ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ लास्ट टाइम चल रहा है क्वेश्चन आने वाले होंगे बच्चे कोई क्वेश्चन ना रुक जाए ऐसा तो लेंथ बोला है एंड ब्रीथ बोला है तब किया

सिक्सटी इंटू फोर्टी भाई ज्यादा आ जाएगा अगला क्या दे रहा है वहन विध एंड लेंथ तो व्यर्थ तो यानी कि चालीस 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 इंटू लेंथ फिर वही बात है इंटू तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा ये समझ में आया है, नहीं आया ऐसा बताओ पहले मुझे पक्का चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से बताओ आंसर जल्दी से बताओ आंसर फटाफट फड़। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इनमें से संवहनी पौधे को चुनो वेस्कुलर प्लांट चुनो क्या चुनो वेस्कुलर प्लांट देखो बच्चों वेस्कुलर प्लांट की अगर बात करोगे तो वेस्कुलर प्लांट क्या है प्यारे बच्चे यहां पर टू कैटेगरीज हैं एक होता है जाइलम क्या होता है प्यारे बच्चे एक होता है जाइलम और बच्चे दूसरा होता है फ्लोयम क्या होता है फ्लोयम होता है ठीक है जाइलम का मीन्स ये बेसिकली कंडक्ट करता है किसको वाटर कंडक्शन करने का काम करता है और ये कंडक्शन करता है प्यारे बच्चे किसका फूड का किसका कंडक्शन करता है फूड का अब अगली बात कर लेते हैं जरा प्लांट्स में चलते हैं तो जब बात करोगे प्लांट्स में किसमें बात करोगे प्लांट्स में तो मैंने आपको बताया था तो प्लांट्स में एक तो होता है पहली कैटेगरी थैलोफाइटा सेकंड वन कैटेगरी ब्रायोफाइटा थर्ड वन कैटेगरी टेरिडो भाई नाम इनके ऐसे लिखे जाते हैं थैलो ब्रायो हिंदी में भी यही इंग्लिश में भी यही यहां पर आता है जिम्नो जिम्नो को बोलते हैं बाबू अनावरत बीजी क्या बोलते हैं अनावरत बीजी और अगला आता है आपका एनजीओ क्या बोलते हैं एनजीओ और एनजीओ को बोल देते हैं हम लोग क्या एनजीओ को बोल देते हैं आवृत बीजी जिनके ऊपर आंजी होता है यानी कि सीड होता है कवर्ड सीड कैसा होता है प्यारे बच्चे सीड होता है कवर्ड कैसा होता है सीड कवर्ड इनके केस में जो सीड होता है इसके केस में जो सीड होता है ना सीड जो सीड होता है प्यारे बच्चे वो सीड होता है नेकड कैसा होता है नेकड होता है ऐसी बात समझ में आई नहीं आई ठीक है बस 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 सत्रह को दोबारा बता रहा हूं तो देखो ये जो तीनों कैटेगरी है थैलो ब्रायो और टेरिडो यहां पर थैलो में वेस्कुलर होता ही नहीं है ब्रायो में होता ही नहीं है इससे ऊपर की बात करते हैं इससे ऊपर की कैटेगरी पर चलते हैं प्यारे बच्चे तो इससे ऊपर की कैटेगरी ये रहा टेरिडो यहां पर जब हम आते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कौन वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोयम जाइलम एंड फ्लोम इसके बाद सब में मिलता है अब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है लिवर वर्ट, वर्ट, और आपका मोसिस आता है एलगी में ओके ये आता है ब्रायो ये भी किस में आता है ब्रायो एक एग्जाम्पल एक बचता है और ये क्या है आपका फर्न क्या है बच्चा फर्न आंसर जाएगा ए बिकॉज फर्न इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा हेलो बोलो या सर नो अरे बोलो बच्चो या सर नो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ देखो यहां से फिर से एक बार क्वेश्चन को जल्दी से गौर कर लो फटाफट से ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपको ये बताना है चीज ये सेलेक्ट करके देनी है कि किसके अंदर एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा बोलो बात समझ में आई चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से फास्ट चलो क्वेश्चन लो क्वेश्चन ये लो और बोल दो क्वेश्चन ये लो और आंसर दे दो जल्दी फटाफट जल्दी बोलो जल्दी क्या बोला है जब शुक्राणु है कोई वो योनि में जाता है तो वह किस मार्ग से यात्रा करता है जल्दी बताओ आंसर फटाफट सत्रह को दोबारा लो जल्दी फटाफट से एक लड़की है कौन पूछ रहा है बच्चा बाबू लास्ट में बता दो सत्रह को लास्ट में बता दू चल चल शुक्राणु की बात कर रहा है योनि में जाता है तो वो किस मार्ग से होकर के जाता है उसकी यात्रा बताओ उसकी यात्रा बताओ देखो एक्जैक्टली exactly क्या होता है मैं आपको डायग्राम यहीं बना के दे रहा हूँ भाई डायग्राम यहीं बना के दे रहा हूँ ऐसा ठीक है इससे बना रहा हूँ तो ये लो ए ये वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट हो गया ऐसा हो गया ठीक है ये हो गया यहाँ पर एग ये क्या हो गया प्यारे बच्चे ये हो गया एग ठीक है और एग के साथ में ये जो हो गया इसके पास ये हो गया आपका ओवेरी ठीक है ओवेरी ये जुड़ी हुई है इसके साथ में ये जुड़ी हुई है यहाँ पर ओवेरी ठीक है भाई चलो ऐसा अब देखो क्या होता है

तो लास्ट में जाएगा तो फोर्थ पार्ट में यहां पहुंचेगा यहां दे रखा है ओविडक्ट तो सेकंड पार्ट यूटरस, यूटरस ये पॉइंट नंबर टू हो गया यहां तीसरा पार्ट है यूटेरस कहां पहुंचता है यूटेरस और फोर्थ पार्ट में कहां पहुंचता है ओविडक्ट इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है बच्चों अरे बोलो चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या पूछा है जल्दी से ऐसा बता दो

तो इसको बोलते हैं लीनियर क्या बोलते हैं लीनियर ठीक है रेखीय है होते हैं बहुलक अगली बात करते हैं दूसरा पॉइंट फिर से लेते हैं दूसरा पॉइंट ये कैसा होगा दूसरे को बात करते हैं ये हो गया दूसरा कैसा होगा ये होगा ऐसा 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 उस पर देखो डायग्राम फटाफट भट से इस इसपे ये हो गए हैं ये पॉलीमर्स रखे हुए हैं यहां पर ऐसा ये इसकी यूनिट्स रखी हुई हैं ऐसे ऐसे तो इसको बोल दिया हम लोगों ने क्या ब्रांच क्या बोल दिया ब्रांच और तीसरा होता है प्यारे बच्चे तीसरा होता है यहां पर ऐसा हो गया रेड से बनाता हूँ फटाफट से ये हो गया उसके बाद ये हो गया ये हो गया और ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ गए हैं ये एक दूसरे के बढ़ गए इसको बोलते हैं क्रॉस क्या बोलते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई आई तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर तो प्यारे बच्चे पीवीसी कुछ इस तरीके का होता है और इसको लीनियर नहीं होता पीवीसी होता है प्यारे बच्चे कैसा कैसा क्रॉस चेन पॉलीमर होता है एक दूसरे जुड़े होते हैं तो यस इसको बोलते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर क्या बोलते हैं क्रॉस चेन पॉलीमर आगे चलें आगे चलें भैया नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया हुआ क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एक और बढ़िया क्वेश्चन है एक और बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछा है देखो हैज मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है एनर्जी की बात कर रहा है प्यारे बच्चों जब आप लोग किसी ऑर्बिटल में एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग लेते हैं एन प्लस एल का सम। N को बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम मैं नाम दूंगा हिंदी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जबकि दूसरे को बोलते हैं इसको बोलते हैं एजी मूथल क्या बोलते हैं एजी मूथल प्रिंसिपल को बोलते हैं दूसरा नाम हिंदी में मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे दिगंशी क्या बोलते हैं दिगंशी है? क्वांटम नंबर बोलो बासन में आई तो देखो प्रिंसिपल जो है ये जो इसके सामने लिखा हुआ है नंबर बाबू ये तो है प्रिंसिपल नंबर यानी कि आपके सामने लिखा है दो आपके सामने लिखा है तीन आपके सामने लिखा है तीन आपके सामने क्या लिखा है चार ओके okay. ये तो हो गया प्यारे बच्चे एन क्या हो गया ये ये तो हो गया एन और ये जो है एजी मुथ क्या बोलते हैं एल और इसके सामने ये जो लिखा हुआ है ये सब तो मैं बता दूं एल की वैल्यू की बात करते हैं अगर एस के लिए लोगे तो बाबू ये आती है जीरो ठीक है तो जीरो जो होती है प्यारे बच्चे जो जीरो वैल्यू आती है वो एस के लिए एल की वैल्यू अगर जीरो हो और वन हो तो वो बाबू पी के लिए एल की वैल्यू अगर टू होती है तो वो होती है एस पी डी के लिए

टू प्लस वन प्यारे बच्चे जब टू प्लस वन को करोगे सम तो टू प्लस वन को करोगे सम तो हमें मिलेगा कितना थ्री आगे बात करते हैं दूसरे में थ्री प्लस जीरो को करोगे तो अगेन मिलेगा थ्री आगे थ्री प्लस वन को करोगे तो प्यारे बच्चे मिलेगा फोर और फोर प्लस वन को करोगे तो प्यारे बच्चे क्या मिलेगा फोर मिलेगा बोले सर नो बाउंस हो गया कुल cool. कैसे बाउंस हो गया देखो आपसे पूछिए एनर्जी जब एनर्जी का पूछता है तो किसी भी तो एल क्या बताता है? एन बताता है प्रिंसिपल नंबर को, और एल बताता है एजी मुथल नंबर को। ओके? ओके। दूसरी बात सुनो अब ये एन की वैल्यू ये जो आगे लिखी हुई है ये दो तरीके से लिखा हुआ है ऐसे 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 तो ये जो आगे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में ये जो नंबर लिखा हुआ है बाबू इसको बोलते हैं एल N बोलते हैं और इसको बोलते हैं दूसरे वाले को बोलते हैं एल इन दोनों को जोड़ते हैं तो एस के लिए जो वैल्यू होती है बाबू की टोटल तो टोटल करने के बाद क्या मिला थ्री लेकिन जब दोनों वैल्यू बराबर है देखो ये भी फोर ये भी फोर ये दो तो कटी गए ये दो तो हो गई कम ज्यादा पूछिए ना अधिकतम पूछिए मैक्सिमम एनर्जी पूछिए तो ये दो तो वैसे ही कट गए बचे ये दो जब इन दोनों के केस की बात करते हैं तो जिसमें एन ज्यादा होता है जिसमें एन ज्यादा होता है उसको ज्यादा एनर्जी वाला मानते हैं बोलो यार अरे बोलो चलो बात समझ में आई आंसर आंसर जब एन प्लस एन की वैल्यू दो के लिए सेम होती है तो उसमें हम उसको लेते हैं किसको लेते हैं बाउंस हो गया सर बाउंस तो हो तो गया ऊपर से जाने दें कुल कुमार बाउंस बॉल को जाना देना ठीक है यार सिंपल क्वेश्चन है बाउंस क्यों नहीं दे रहे हो सुनो एक बार फिर चले जल्दी से समझ नहीं आया एनर्जी की बात कर रहा है क्या बात कर रहा है एनर्जी की बात कर रहा है एनर्जी की बात यह है कि जब एनर्जी की बात करते हैं तो दो नंबर आते हैं हमारे पास किसी भी एटम में जब नंबर्स की बात करते हैं एन प्लस एल की वैल्यू एन को बोलते हैं प्रिंसिपल एल को बोलते हैं दिगंसी इन दोनों का टोटल तो एस के लिए एल एल की वैल्यू जीरो आती है आपका दूसरा क्या है पी के लिए वन आती है डी के लिए टू आती है और एफ के लिए थ्री आती है दोनों को जोड़ो जब उस दो में, दो में भी वैल्यू सेम आती है तो जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा आ गया चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां आंसर दे दिया फोर चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे पूछा है प्यारे बच्चे आंसर विच विटामिन इज नोन एज विटामिन ये एम नहीं है प्यारे बच्चा ये गलत कर दिया है इसको बोलते हैं विटामिन एन क्या बोलते हैं विटामिन एम कर दिया यहाँ पर भी विटामिन एन है क्या है विटामिन एन विटामिन एन किसको बोलते हैं ऐसा आप लोगों से पूछा है जल्दी बताओ जल्दी बताओ ऑल ऑल ना बाबू ना अ बाबू ना ना बाबू ना होता क्या है एक विटामिन होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं बी नाइन ये कहाँ मिलता है प्यारे बच्चे ये मिलता है फॉलिक एसिड में इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे फॉलिएट क्या बोलते हैं फोलिएट बोलते हैं ऐसा और प्यारे बच्चे इसी का दूसरा नाम है विटामिन एन क्या नाम है इसका विटामिन एन विटामिन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं आपको बताना विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं और विटामिन बी सिक्स को क्या बोलते हैं दैट इज योर होमवर्क आप मुझे बताओगे जल्दी से अच्छा बेसिकली क्या करता है ये ब्लड की कमी को पूरा करने का काम करता है किसको ब्लड की कमी को ठीक है जी ब्लड की कमी को पूरा करने का काम करता है आर का नंबर को बढ़ाने का काम करता है ये ठीक है चलो

तो ये बड़ा वाला बैरियम टूट जाता है दो पार्ट्स में एक तो टूट जाता है बाबू क्रिप्टॉन में किस में टूट जाता है क्रिप्टॉन में और दूसरा टूट जाता है प्यारे बच्चे ये क्रिप्टॉन है और ये क्या है आपका बैरियम कहने का मतलब ये जो यूरेनियम है यूरेनियम ये टूट जाता है दो पार्ट्स में एक तो टूट जाता है बैरियम में और एक टूट जाता है आपका क्रिप्टॉन में और आप इसको थोड़ा देख लेना बस केवल थोड़ा सा ये हो गया बैरियम और क्रिप्टॉन ये ऑल कहाँ है रेडॉन दे रखा है रेडॉन को काटो ये रेडॉन कट गया ये रेडॉन रेडॉन कट कट गया गया ये यहाँ पर भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा बस केवल और नो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे पूछा है आपसे क्या पूछा है बच्चे नॉर्मल घरों में जो हम लोग पानी वाटर यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल वाटर क्या है ये नॉर्मल वाटर है ऐसा वहीं पर अगर बात करते हैं ये है डी टू ओ दैट इज नोन एज हैवी वाटर क्या है ये Water, है वाटर बोलते हैं इसको और इसकी डिस्कवरी का, का काम ये डिस्कवरी किसने की थी तो प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है वो जाता है प्यारे बच्चे यूरे एग्जैक्टली exactly, हेरोल्ड यूरे तो यही बता दो रेजरफूर्ड ने यहां पर दे रखा है याद रखना इसके बारे में इसने किसकी डिस्कवरी की थी तो इसने खोज की थी किसकी नाइट्रोजन की किसने की थी नाइट्रोजन की जी -जी -जी. ठीक है जी चलो जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है? ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कौन सा है विटामिन हेल्प करता है सेल्स को साथ साथ रखने में कहाँ पर ह्यूमन बॉडी में साथ रखने का काम करता है एग्जैक्टली exactly. अगर विटामिन विटामिन के बारे में क्या बात है हम साथ साथ हैं कैसे हैं हम साथ, -साथ हैं

सी आज की क्लास अच्छा सोर्स क्या है मिलता है आपका में मिलता है आपके और भी कैसर चीजें में थोड़ा सा आपको मैंगो में देखने को मिलता है चलिए अब इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं कल तक आइए क्लास के अंदर पहले बोल रहा हूँ इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपको कल काम आएंगे तब तक के लिए जय श्री राम राधे राधे सताल आदाब थैंक यू बच्चों कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय